और सब गाइस कुशवाई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। भाई अवतार द वे ऑफ वाटर देख के आया मैं, मेरे मन में सिर्फ दो सवाल थे जब इसको देख के निकला मैं, यार ये लोगों ने ये बनाया कैसे, कैसे बनाया ये लोगों ने, मूवी से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कैसे बना लिया यार ये लोगों ने। हालांकि दूसरा सवाल भी था मेरे मन में, वो मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा, बट सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, जिस तरीके से आप देखो वो अंडर वाटर शॉट्स जिस तरीके से लिए, वो अंदर पानी के अंदर जिस तरीके से तैरना हो, पानी के अंदर की जिंदगी हो, या फिर पानी के अंदर की जिंदगी, या फिर पानी के अंदर रहने वाले जो भाई जानवर, हर एक चीज़ को जिस तरीके से कैप्चर करके हमारे सामने रखा है, ये क्या था भाई, ये क्या था। नॉट ओनली फॉर दिस, वो एक्शन देखो इन लोगों का, भाई आप सोचो यार, वो हवा में उड़ने वाले पता नहीं वो कौन से प्राणी बना लिए। हम तो हिंदुस्तान के अंदर देखते हैं आजकल हमसे घोड़े नहीं चलते, वो लोग हवा में उड़ने वाले प्राणी दिखा रहे हो भी, ऐसे वैसे प्राणी, उनको देख के आप बोलो कि किस तरीके से इसको शूट किया होगा, किस तरीके से इसको बनाया होगा। इनका एक्शन आप देखो यार, पानी के अंदर एक्शन, पानी के बाहर एक्शन, इधर एक्शन उधर एक्शन, उसके बाद सस्पेंस, व्हाट अ फैंटास्टिक यार, थ्रिल ले लो आप हर एक चीज भाई। उसके बाद CGI इफेक्ट्स, इसका VFX तो क्या बाप लेवल का है यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप इसको जाके देखो, इसका VFX आप जाके देखो, इसको 3D में देखो भाई। आप 3 घंटे 3 मिनट आप बोलोगे कि भाई मैं तो दुनिया में हूँ ही नहीं, मैं उनकी दुनिया में चला गया हूँ यार, ऐसा आप फील करोगे यार। व्हाट अ फैंटास्टिक यार, हाँ वो जेम्स कैमरन अलग ही दुनिया दिखा रहा है भाई, वो अवतार के नाम पे अलग ही दुनिया दिखा रहा है भाई। देखो ये मूवी का स्टोरी तो सिंपल है, ठीक है, स्टोरी सिंपल है भाई, एक नेवी है, उसके बाद आसमानी लोग है, किस तरीके से आते हैं, दोनों के बीच में संघर्ष होता है, एक परिवार है, एक बाप है, वो फैमिली के लिए किस तरीके से संघर्ष करता है, किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ता है, किस तरीके से अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए किस तरीके से वो लड़ता है, उसके बाद वो सब क्या होता है आपको मूवी में देखने को मिलेगा। मैं आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, बिकॉज स्टोरी काफ़ी सिंपल है, तो स्पॉइलर आपको देना नहीं चाहता। लास्ट में किस तरीके से उसका पर्सनल लॉस हो रहा है, किस तरीके से वो बहुत कुछ खो देते हैं, क्या एंडिंग होती है, आपको पूरी ये मूवी में आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से भाई वो एक जगह से दूसरे कबीले में जा रहा है अपनी फैमिली के लिए, वहां के रीति रिवाज, वहां के तौर तरीके, वहां पर किस तरीके से जाके रहते, XYZ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है भाई। ये सब चीज़ तो ब्यूटीफुल लगती है यार। उसके बाद मैं आपको सीरियसली बताऊँ यार, हर एक चीज़ ऊपर से भाई, इसका जो इमोशनल एंगल डाला गया ना, दिस इज अ ब्रिलियंट यार। जिस तरीके से आप देखो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इसके अंदर जिस तरीके से इमोशनल एंगल डाला गया ना, वो ब्रिलियंट है यार। उसके बाद VFX वगैरह तो भाई कमाल यार, जेम्स कैमरन सर व्हाट इज दिस, मतलब ऐसा भाई दुनिया पागल थोड़ी ना यार। आप देखो रात के 1 बजे के शो हाउसफुल, सुबह 4 बजे के शो हाउसफुल, सुबह 7 बजे के शो हाउसफुल, खैर अभी तो छोड़ी दो, इंडिया से 50 करोड़ पहले दिन का कलेक्शन दिख रहा है, मतलब क्या बना के दिए ये लोग, क्या बना के दिए यार, जस्ट अ ब्रिलियंट यार। ऊपर से भाई इनका एक्शन देख लो यार, भाई जो एक्शन ये लोग दिखा रहे हैं पता नहीं मतलब क्या कर रहे हैं यार। कभी वो भाई वो अलग तरीके का गन चलाना हो भाई, वो पानी के अंदर की फाइट हो, और पानी के अंदर के सीन्स दिखाना हो, हर एक चीज़ भाई मतलब एकदम, मतलब यार मैं सोच नहीं सकता कि ये लोग बनाए किस तरीके से, मेरी तो सोच वहाँ तक पहुँचती नहीं है भाई। आप देखो यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं सोच रहा था कि यार इसका बजट कितना है, मुझे जब पता चला 2000 करोड़ का बजट, मैं बोला था बस, बिकॉज यार 2000 करोड़ का बजट यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरे को बोलता ना इसका 10000 करोड़ का बजट है तो भी भाई मैं एक्सेप्ट कर लेता था, बिकॉज यार उस लेवल का दिखता है, उस लेवल का हमको फील होता है, उस लेवल का हमको मजा आता है यार, क्योंकि यार जो दुनिया ये लोग दिखा है जस्ट अ ब्रिलियंट। हालांकि देखो मैं ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं चाहता नहीं कि मेरे उम्र से ऐसा को दिखले जिससे आप लोग को लगे कि भाई स्पॉइलर दे दिया फलाना ढिंगाना। एक ही बात बोलूंगा, आप लोग जाओ एंड ऐसी मूवी भाई सिर्फ जेम्स कैमरन बना सकता है, सो प्लीज आप जाके उसको एंजॉय करो, पूरी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करो। ऐसी मूवी बार तो क्या कभी भी नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूं, बिकॉज ये सिर्फ वही बंदा बना सकता है। तो भाई प्लीज इसको जाके एंजॉय करो, पूरी की पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करो, क्योंकि यार ये इमोशन से ये भाई वो ड्रीम है जो आप इसको फील करोगे, ये वो दुनिया जो आप इसको जाके फील करोगे। सो प्लीज यार आप इसको जाके देखो, इसको जाके सिर्फ थिएटर में एंजॉय करो, एकदम मजा आ जाएगा। हालांकि मैं एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी, वो ये थी कि मैं इसके क्लाइमेक्स से मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ यार। हालांकि लास्ट के 30-35 मिनट बहुत भयंकर है, बहुत ही खतरनाक है हर एक चीज के मामले में, बट एक्चुअली यार अब इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ यार, क्योंकि आप देखो पूरी के पूरे मूवी के अंदर आप विलन है, आप देखो पूरी के पूरे मूवी के अंदर इतने लोग दिखा रहे, कबीले वाले ये फलाना ढिंकाना, इतने लोगों से इस मूवी को भर दिया है, बट वो पूरे के पूरा जो एंडिंग आके खत्म हो रहा है एक फैमिली के ऊपर, उससे मुझे मजा नहीं आया यार। वो जो फील आना चाहिए था ना, वो फील नहीं आया यार। हालांकि लास्ट में एक डायलॉग है मेरे को बहुत प्यारा लगा कि भाई मिट्टी से बने लोग हैं, मिट्टी में ही चले जाना है फलाना ढिंकाना, बट ऑनेस्टली यार वो फील नहीं आया जो आना चाहिए था यार। आप देखो इतने बड़े लेवल का मूवी बना रहे हो, बट यार आपने बहुत से लोगों को साइड पर हटा के सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे पूरी के पूरा मूवी खत्म कर दिया। तो भाई आप लास्ट में ये सोचोगे कि यार 3 घंटे 3 मिनट हमने बर्बाद किया ये देखने के लिए, बर्बाद
बात किया। हालांकि आप बहुत कुछ इसके अंदर फील करोगे यार, वो जो एडवेंचर टाइप है पूरे का पूरा एक अलग दुनिया है, पानी के अंदर के एंगल्स हो, वो VFX हो, वो एक्शन हो, वो थ्रिल हो, वो अलग दुनिया हो, हर एक चीज आप फील करते हो यार, कुछ अलग ही नजारा फील करते हो आप, कुछ अलग दुनिया में जीते हो 3 घंटे। बट जो एंडिंग होती है ना यार, वो एंडिंग वो फील नहीं देती है जो फील आना चाहिए था यार। सो यार एंडिंग से मैं थोड़ा सा खुश नहीं हुआ। हालांकि मुझे लगता है कि ये एंडिंग इस तरीके की इसलिए दिखाई है ताकि ये लोग पार्ट 3 या फिर पार्ट 4 भी सोच रहे हैं। पार्ट 3 डेफिनेटली इसका आएगा, बिकॉज यार जिस तरीके से मूवी को ख़त्म किया है, बहुत सी चीज़ें भाई बहुत सी चीज़ें वहाँ पर क्लोज कर दी उन लोगों ने, बहुत सी चीज़ें, क्योंकि भाई बहुत सी चीज़ों के जवाब इस मूवी में हमको मिलते ही नहीं है। वो बहुत सी चीज़ें आप देखना, वो कबीले वगैरह वगैरह वो लोग कहाँ चले जाते हैं, बट ये स्पॉइलर हो जाएगा, सो मैं आपको बताऊंगा नहीं। हालांकि थोड़ा तो दे दिया। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एक ही बात बोलूंगा भाई, इस मूवी को जाके एंजॉय करो। आई हैव नो वर्ड्स, 10 में से 15 स्टार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।